गाइस, कल हमारे शरद मल्होत्रा और हेले शाह जो है ट्रेंड हुए थे ट्विटर पर। शरद मल्होत्रा अलग एंड हेले शाह अलग। एंड आप लोग बता दें, हेले शाह एंड शरद मल्होत्रा की म्यूज़िक एल्बम जो है रिलीज़ हो चुकी है। जैसे कि मैं देख चुकी हूँ उनकी म्यूज़िक एल्बम, मुझको तो उतना कुछ खास नहीं लगा, बट थोड़ा सा लगा। फर्स्ट का जो पहले जो था वो उतना अच्छा नहीं लगा, बट उसके बाद का थोड़ा सा अच्छा लगा मुझको। जब पायल देव थी वहाँ पर, वो भी हेले शाह एंड शरद मल्होत्रा के साथ डांस कर रही थी, तो वो वाला सीन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड आप लोग बता दें, जो नवंबर में शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी रियांश की म्यूज़िक एल्बम की, वो के सच्चे में हो रही है। सो ऐसा जो है कुछ भी नहीं है। एंड आप लोग बता दें, MKV लाइव म्यूज़िक वाले फिर से लाइव आए थे, मतलब रिसेंटली लाइव जो आए थे, उन्होंने बताया था कि जो नवंबर में हेले फ्री हो जाएगी, नवंबर तक हेले को जो है हेले शाह को टाइम चाहिए। एंड हेले शाह ने टाइम जो है ले भी लिया है। एंड अब कब वो फ्री होती है वो तो अभी देखने की बात है। बट हमारे देखिए, आप लोग जो है कुछ फैंस जो है अभी हेले शाह को कुछ क्या क्या बोल रहे हैं। अब इसमें से मैं आप लोग बता दूँ, कुछ फैंस जो है हेले शाह को बोल रहे हैं जो शरद मल्होत्रा के साथ हेले शाह ने कर ली म्यूज़िक एल्बम की शूट, क्यों राहुल सुधीर के साथ नहीं कर सकती थी, शरद मल्होत्रा के साथ ही करना था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है ना, ये म्यूज़िक एल्बम फिक्स्ड थी, यानी कि पहले से साइन की हुई थी, मतलब कि कब से होएगी, शायद जून जुलाई अगस्त ऐसा ही कुछ होएगा, वहीं से ही उसको जो है साइन करवा लिया गया था हेले शाह से। इस वजह से वो अभी शरद मल्होत्रा के साथ उन्होंने शूट किया, बना वो नहीं करती। एंड अभी हेले शाह जो भी प्रोजेक्ट्स जो है उनके आएंगे, सामने निकल के आएंगे, सारे प्रोजेक्ट्स उनके जो है पेंडिंग होएगी, यानी कि पहले से साइन किए हुए रहेंगे, जो पहले से साइन किया हुआ रहेगा, फिर हम लोग किसी को बोल देंगे जो ये हम आप लोगों को देंगे, तो हमें तो देना पड़ेगा ना। एक जिसने बोला कि अभी आप मुझे दो, उसको थोड़ी हम देंगे, उसको थोड़ी देर बाद देंगे। तो ऐसा ही होता है पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का, मतलब जैसे कि अभी पहले जो ये साइन किया हुआ है उसको जो है पहले करना ही पड़ता है, उसके बाद न्यू पे आप लोग जा सकते हो। जैसे कि जो है ना ऑल इन वन प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने कहा था कि रियांश की म्यूज़िक एल्बम वो लाएंगे। एंड पारस कलनौर के साथ हेले शाह की गई म्यूज़िक एल्बम अभी तक रिलीज नहीं हुई है, पोस्टर वोस्टर कुछ भी नहीं रिलीज़ हुआ है। जबकि जो पायल देव ने रिलीज़ किया ना शरद मल्होत्रा एंड जो हेले शाह शाहिल की म्यूज़िक एल्बम, उससे शाहिल की म्यूज़िक एल्बम जो है मतलब एक वीक नहीं मतलब दो तीन दिनों में ही शूटिंग जो है ख़त्म हो चुकी है। एंड दो तीन दिनों में ही एडिटिंग करके जो है म्यूज़िक एल्बम को रिलीज़ आज किया गया है। मैंने तो म्यूज़िक एल्बम को देख लिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में एंड देख लीजिए जोड़ी की म्यूज़िक एल्बम है। एंड आप लोग बता दें, जो रियांश की म्यूज़िक एल्बम की बातें चली है MKV लाइव म्यूज़िक वाले की तरफ से, तो हमारे जो रियांश है मतलब कि राहुल सुधीर एंड हेले शाह ने जो है नवंबर तक का टाइम आ गया। एंड अभी सितंबर ख़त्म हो गया, अब अक्टूबर जो है वो थोड़ी सी ही दिन है, एंड उसके बाद नवंबर। अब आप लोग पूछोगे कि नवंबर तो और कुछ ही दिन रहा है, तो अब कब स्टार्ट होगी, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक या फिर लास्ट वीक। सो आप लोग बता दें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एंड अभी तक फिक्स्ड फाइनल डेट नहीं की गई, बस और बस मंथ ही किया गया। अगर हेले शाह फ्री नहीं हुई इस बार भी, तो भी मतलब तो अब नवंबर में शूटिंग नहीं होएगी। सो यही सारे अपडेट्स थे मेरे। जो है आप कुछ फैंस बोल रहे हैं कि शरद मल्होत्रा के साथ हेले शाह ने शूटिंग कर लिया, बट राहुल सुधीर के साथ नहीं किया, उनको ट्रोल वगैरह भी किया जा रहा है। एंड कुछ फैंस जो है मतलब ट्रोल करने में लग जा रहे हैं, जो फैंस अच्छे हैं हेले शाह एंड राहुल सुधीर का, हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो लोग अभी ट्रोल करने लग जाए। तो अभी देखो कैसा हो रहा है, मतलब जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको, उनके साथ वो लोग मिल जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, वो सारी चीज़ों में देखना नहीं है हमें। हमें सिर्फ और सिर्फ द मुंबई अचीवर्स अवार्ड में हमारे हेले शाह एंड राहुल सुधीर थोड़े से पीछे नंबर पे है। एंड जो रियांश जोड़ी वो ठीक ठाक में है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड में ही है, सो ज़्यादा जो है मतलब कुछ नहीं है। सो रियांश जोड़ी को आप लोग को जिताना है द मुंबई अचीवर्स अवार्ड में। एंड शाखी जोड़ी को जो है ये अवार्ड मिलना नहीं चाहिए, ये भी अवार्ड रियांश को ही जाना चाहिए। सो ये सारे अपडेट्स मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया। सो यही था बस अपडेट, जल्द मिलूँ किसी न्यू वीडियो में।